नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया डिकोड एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक देखा जाए स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा, और हम अपनी लास्ट क्लास में हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि भारत की पहली ज्ञात सभ्यता, ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। और हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में अप्रॉक्स 30-35 क्वेश्चंस हड़प्पा सिविलाइजेशन से लगाया था, और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज ही क्लास में बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछे गए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ एक डिस्कशन वीडियो होगा, बल्कि इस पूरे जो है एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को भी रिविजन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन एमसीक्यू पार्ट 1 को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाइए उन्हें देखिए। इससे आपको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट है, वो पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है, और उससे भी साथ साथ उस पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उससे पूरी चीजें जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन चैप्टर जो है वो आपका रिविजन भी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लगभग उतने ही क्वेश्चंस जो है 30-35 क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करेंगे, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ना सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस के ही थ्रू पूरे चैप्टर्स को भी रिविजन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशन के चैप्टर को नहीं पढ़ा है, या जिन लोगों ने पढ़ा है, एक ही दो बार पढ़ा है, तो वो काफी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और हाँ, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। और हाँ, लास्ट में कहना चाहूंगी कि क्लास जब भी अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हम एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर, जब मैं आंसर को एक्सप्लेन करूंगी, तो वो एक्सप्लेनेशन आपके पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो उन्हें आप जो है जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी उन्हें लिखते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोग बच्चों को पहाड़ लगता है कि अरे ये तो फैक्ट्स है, नहीं, आप दो चार बार पढ़ेंगे तो ये फैक्ट्स भी आपको इजीली जो है याद होता जाएगा। किसी को इतना याद नहीं होता है बेसिकली, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के सामने जब वो ऑप्शन आता है, तो हमारा माइंड तुरंत कहता है कि अगर आपने दो चार बार सॉल्व किया तो तुरंत आंसर आपको वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो ऑन टिप किसी को नहीं याद रहता है, ठीक है, बस प्रैक्टिस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिए क्वेश्चन आंसर को खूब ज्यादा प्रैक्टिस करने की। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी और आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पे 32 दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो थी एमसीक्यू की पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस तक जो है डिस्कशन किया था, तो यहाँ से उसी जो है सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 हमें देखने को मिल रहा है, और देखिए कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, जिन्हें आंसर पता होगा वो जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते हुए चलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला था दोस्तों, तो उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। पाकिस्तान तो अस्तित्व में 1947 में आया, 1947 में पाकिस्तान आया, तो कुछ भाग जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में, एक दो शेष भाग कुछ हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अब वो कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और यहाँ साइड में आप देखते हुए चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस ईयर में पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री में 1994 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखा जाए कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा, देखिए कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे है, हम इसी तरह ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालेंगे, ये तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। वही बात करें हड़प्पा, लोथल देखिए कहाँ है दोस्तों, ये गुजरात में है, ठीक है। आलमगीरपुर हमने बात किया था, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो विस्तार है, ठीक है, सबसे पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मेरठ में, मेरठ में कहाँ दोस्तों,
आलमगीरपुर में, ठीक है। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे? हडसन, माफ करेगा ये हडसन हो गया, हिंडन नदी के तट पे, हडसन तो न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर, ठीक है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपके क्या बचा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में पाकिस्तान में है, और हड़प्पा ही वो पहला स्थल था जिसको खोजा गया था, जिस कारण से इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात कर लूं तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1921 में की गई थी, किसके द्वारा? दयाराम साहनी की के द्वारा किया गया था, ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्हीं के निर्देशन में जो है यहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में भी कहाँ है? तो वहां पे देखिए सिंध प्रांत है, वहां पे बलूचिस्तान प्रांत है, वहां पे आपको कौन सा प्रांत दिखता है? पंजाब प्रांत। तो एक देखिए भारत का पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है, तो जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पे है ये, और वहां पे एक जिला है देखिए, शाहीवाल जिला, ठीक है, शाहीवाल जिला, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था? माउंट गोमरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माउंट गोमरी के नाम से जाना जाता था, और जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? शाहीवाल जिला के नाम से जानते हैं। ये किस नदी के तट पे है दोस्तों? आपसे पूछा जाता है तो रावी नदी के तट पे। क्वेश्चन आया था कि रावी नदी के किस तरफ है, तो रावी नदी के ध्यान रखिएगा बाएं तट पे है, और देखिये मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है, ये रावी नदी के तट पे है। इसके बारे में अगर हम हड़प्पा के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो इसकी जानकारी दी गई थी 1826 में दिया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स मैसन जो था एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे, और इन्होंने, चार्ल्स मैसन ने बोला था कि ऐसी कोई जो है सभ्यता इस क्षेत्र में कभी नहीं होगी, उन्होंने जानकारी दिया था 1826 में, ठीक है। फिर देखा जाए आगे चल करके, चूंकि यहाँ पे जो खोज की गई दयाराम साहनी ने, आगे चलेंगे तो फिर उसके बाद जो इसका उत्खनन कार्य किया गया किसके किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा जाता है। तो आगे चल करके यहाँ पे देखिए 1926 की बात करें दोस्तों, तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स के, माधव ये सब नाम लिख लीजिए आप लोग, माधव स्वरूप वत्स है, ठीक है। और फिर बात करेंगे 1946 में, आजादी के एक साल पहले दोस्तों, मार्टिवर विलर, ये भी इतिहासकार थे, ठीक है, मार्टिवर विलर, इन लोगों ने क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था जो कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थान है उससे संबंधित ये लोग हैं। आगे भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगी जहां पे ये प्रश्न पूछा गया है कि इस सभ्यता, इस स्थान से संबंधित कौन कौन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है ये रंगपुर स्थान पूछा है, ये राजस्थान प्री में ये प्रश्न आया था 1999 में आया था, पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में। ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगी मैं, डायरेक्ट आंसर पे अगली बार से चलूंगी क्योंकि टाइम टेकन काफी ज्यादा ही टाइम टेकन हो जाता है, और आप लोग भी कहते हैं मैम कितनी लंबी क्लास ले रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये रंगपुर है दोस्तों, ये सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, ध्यान रखिएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र में। अगर हम बात कर लेते हैं रंगपुर की दोस्तों, ठीक है, रंगपुर अगर देखिए सौराष्ट्र जिला अगर आपसे पूछे तो अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जिला में है, और यहां से देखिए ध्यान रखिएगा, और इसकी जो खोज की गई थी यहां से पूछा जाएगा, जितने भी स्थल होंगे उसके पता होना चाहिए खोजकर्ता कौन थे दोस्तों। तो 1931 में ध्यान रखिएगा माधव स्वरूप वत्स ने जो है, इन्होंने माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसकी खोज की थी? रंगपुर की खोज की थी। लेकिन आगे चल के जो उसके उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य किया गया था वो 1953 में किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? तो एस आर राव के द्वारा किया गया था, ठीक है, एस आर राव के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। ये सभ्यता ऐसी है रंगपुर जो कि यहाँ पे प्राक हड़प्पा, यानी कि ध्यान रखिएगा रंगपुर से हमें प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के पहले की सभ्यता, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, और ध्यान रखिएगा हड़प्पा के बाद की भी सभ्यता यानी कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कहां से दोस्तों? रंगपुर। तो रंगपुर दोस्तों कहां है? ये सौराष्ट्र में, सौर गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद जिले। खोजकर्ता ध्यान रखिएगा, जितने भी स्थल आएंगे वहां मैं आपको बताती भी चलूंगी कि इसकी खोज किसने किया, इससे कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है, यानी कि उत्खनन कार्य किसके किसके द्वारा किया गया, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए, और देखिएगा कैसे आगे ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
तो आपको इतना घबराना नहीं है ये देख करके कि अरे ये तो नाम है क्यों पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरास्थल है, दधेरी कहाँ है? ठीक है, पर्वती पुरास्थल क्या हो गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पर्वती मतलब बाद का, ठीक है, पर्वती मतलब बाद का, ठीक है, पर्वती पुरास्थल है, दधेरी कहाँ है? ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, यूपीपीसीएस में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत अभी कुछ ही साल पहले जो है पहले पूछा गया था दोस्तों। तो दधेरी ध्यान रखिएगा ये है आपका यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, पंजाब में ये स्थान है दधेरी। अब पंजाब में कहाँ है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो ये पंजाब के लुधियाना जिले में, ठीक है, लुधियाना, पंजाब के लुधियाना जिले में दधेरी है, ठीक है, वहां पे एक क्षेत्र है गोविंदगढ़, उसी के पास में, ठीक है, गोविंदगढ़ के पास में ये है क्षेत्र। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पर्वती हड़प्पाई पुरास्थल क्या होता है, देखिए जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, या फिर हम इसको एक सिंपल सी भाषा बोले कि हड़प्पाई क्या, यहाँ पे पर्वती क्या होता है, ऐसे याद रखिए कि जब भी किसी सभ्यता का पतन होता है तो उसी के स्थानों पे जहां उस सभ्यता का पतन हुआ उसी के स्थानों पे जब एक नई सभ्यता जो है जन्म लेती है पिछली सभ्यता की कुछ विशेषताओं को लिए तो उसी को क्या कहते हैं, परवर्ती। तो यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, और अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग ऐसी मानी जाती है कि 1800 ईस्वी के बाद से जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या होने लगा, उसका जो चरम काल था, ध्यान रखिएगा उसका चरम काल जो चरमोत्कर्ष काल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, समाप्त हो गया, और आगे जाकर के लगभग ये सभ्यता जो है 1600 ईस्वी पूर्व के समय ये पतनोन्मुखी हो गई, इसका पतन हो गया, ठीक है, और फिर जो है उसी के अवशेषों पे इन क्षेत्रों में कुछ नई सभ्यता आई। तो यहाँ पे दधेरी एक स्थान था जो कि लुधियाना, ठीक है, पंजाब के लुधियाना में था, वो जो है इस ये हड़प्पाई जो है पर्वती पूरा हड़प ये पर्वती हड़प्पाई पूरा स्थल था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो है एक यहाँ पे हरियाणा की भी बात किया जाए दोस्तों, हरियाणा में भी एक पर्वती हड़प्पाई पूरा स्थल मिला है, क्या नाम है उसका, भगवानपुर, ठीक है, भगवानपुर जो है ये भी क्या है, पर्वती हड़प्पाई पूरा स्थल है हरियाणा का। और यहाँ जो है उत्तर भारत के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे जो है पकी हुई जो आग में पकी हुई ईंटें हैं उनका इस्तेमाल जो है किया जाता था भगवानपुर। तो एक और भी स्थल है पर्वती हड़प्पाई पूरा स्थल, और भी बहुत सारे, लेकिन हरियाणा में देखा जाए भगवानपुर, पंजाब में देखा जाए तो दधेरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए अभी आ गया ना कि कौन सा स्थान पहले बोला जो भारत में नहीं स्थित है, अब पूछा है कि भारत में स्थित है, ये यूपीपीसीएस प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा था। देखिए अभी मैंने आपसे बात किया कि हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पंजाब प्रांत में, ठीक है, कौन से, यहाँ पे शाहीवाल जिला पंजाब प्रांत, कौन से पंजाब प्रांत दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। उसी तरह से देखा जाए जो ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ध्यान रखिएगा सिंध प्रांत में है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसका, लोथल, देखिए ये जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ये यानी कि सी लोथल, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है दोस्तों, तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा ये अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है। और कौन सी नदी पे दोस्तों, तो भगवा नदी, ठीक है, भगवा नदी के तट पे है ये भगवा नदी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खाड़ी भी पूछा जा सकता है, तो खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में ये स्थित है। और हम बात करेंगे अभी इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें लोथल के खोज किसने किया था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने देखा होगा, तो इसकी जो खोज की गई थी 1957 में किया गया था, एस आर राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो ये था, ध्यान रखिएगा, और बाकी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था, सिंध का बाग कहा जाता था, स्तूपों का टीला कहा जाता था, शहर कहा जाता था, और क्या कहा जाता था इसको, मृतकों का टीला कहा जाता था। बहुत सारे जो है यहाँ पे शवाधान हमें प्राप्त हुए, बहुत सारे कब्रिस्तान देखने को मिले, तो ये जो है ये कुछ उपनाम भी थे मोहनजोदड़ो के, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि वह हड़प्पाई नगर
जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? यूपीपीसीएस मेंस 2010 में जितने भी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस ईयर में, ये आप खुद से देखते हुए चलेगा, मैं आगे से नहीं बताऊंगी। तो देखा जाए जो हड़प्पाई नगर है जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने आप लोगों से बात किया कौन सी नदी पे है दोस्तों, तो ये किसके नदी पे, अभी जस्ट मैंने बताई ये भोगवा नदी के तट पे, ठीक है। लोथल कहाँ है दोस्तों? ये यहाँ पे खंभात की खाड़ी में है, कहाँ पे? अहमदाबाद जिले में। कहाँ, कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पे। किससे खोजा? 1957 में एसआर राव के द्वारा खोजा गया जो है लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक है। बंदरगाह बहुत फेमस था, यहाँ से बॉर्डर जो है उस समय की तत्कालीन जो समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, उनसे व्यापार भी हुआ करता था। तो हमें क्या देखने को मिला? भोगवा नदी के तट पे। करेक्ट आंसर है सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में भी आया था, यूपीपीसीएस मेंस में भी, और सेम ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। देखिए लोथल कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार हमें तीसरे प्रश्न में लोथल देखने को मिल रहा है, और बार बार मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है, सारे स्टेट्स आपके सामने दिख रहे हैं, और ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कितनी बार मैंने बताया कि गुजरात में कहाँ? ये गुजरात में अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पे हम लोगों ने इसके बारे में क्या किया, बात किया, ठीक है। चलिए अब अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने आपसे बोला कि कौन सी यहाँ पे एक स्थल है जिसका बंदरगाह, जिसका गोदीवाड़ा, ये सारा फेमस था। ये देखिए प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लोथल। देखिए हमें चौथा क्वेश्चन भी लोथल से क्या हो गया, मिल गया, तो हमें क्या देख पड़ना है, हमें लोथल पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है क्योंकि लगातार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। और हम बात करें जो लोथल में यहाँ पे पत्तन नगर था, ठीक है, तो यहाँ इसके साथ ही साथ देखा जाए जो लोथल का पूर्वी भाग था दोस्तों, वहां पे हमें क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला है, ठीक है, डॉक यार्ड मिला है, यानी कि गोदीवाड़ा मिला है जहाँ पे जहाजों को रखा जाता था, ठीक है, जहाजों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाजों का गोदीवाड़ा, ये चीज ध्यान रखिएगा, गोदीवाड़ा, ठीक है, ये हमें देखने को मिला है लोथल से ही देखने को मिला है, ठीक है। वही बात करें, ये जो गोदीवाड़ा था दोस्तों, ये देखिए इसका जो अगर हम बात करते हैं कितना ज्यादा ये इसका आकार देखा जाए, तो ये लगभग जो है जो गहराई इसकी थी, जो गहराई देखिए 3.30 मीटर थी, ये चीज इतना, ये चीज तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये जो गोदीवाड़ा था, ये ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे जो है पकी ईटों से बनाया गया था, पकी ईटों का इस्तेमाल किया गया था इस तरह का। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, पकी ईटों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। लोथल जो है, लोथल का जो गोदीवाड़ा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गोदीवाड़ा पूरे हड़प्पाई सभ्यता का, ठीक है, पूरे हड़प्पाई सभ्यता का सबसे विशाल संरचना थी, ठीक है। तो लोथल का जो गोदीवाड़ा है ये विशाल संरचना है पूरे हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, विशाल संरचना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है विशाल संरचना कौन सी है, तो वो कौन सी है? लोथल का गोदीवाड़ा। इसके बाद कौन सी आ जाती है दोस्तों? इसके बाद जो हमने हड़प्पा का जो अन्नागार पढ़ा था, जिसमें अन्न रखने का पूरा घर था, अन्नागार, वो आता है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो आता है तीसरे स्थान पे। फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार, विशाल स्नानागार के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस इसमें भी देखा है, जो क्वेश्चंस वो भी था। तो सबसे विशाल जो संरचना थी वो थी जो है लोथल का गोदीवाड़ा, वो सबसे विशाल संरचना थी। तो पत्तन नगर के लिए देखिए लोथल जाना जाता है, लोथल को अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप देख ही रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें डिस्कशन करनी है, तो थोड़ा आप लोग भी स्पीड दीजिएगा, स्लो बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, मतलब एज अ जो हम लोग की स्पीड रहेगी तो मीडियम में रहेगी। तो यहाँ पे बात करें, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है? टेरा कोटा क्या होता है दोस्तों? तो जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, जो आग में पकाए हुए होते हैं, तो ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? टेरा कोटा। तो ऐसा जो है मिट्टी का टेरा कोटा या फिर हल्का टेरा कोटा मिला है, ठीक है, कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग कृषि कार्य भी करते होंगे। तो ये धोलावीरा से मिला, बनावली से मिला, कालीबंगा, लोथल। देखिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी हमें दिख रहा है, ये बिहार पीसीएस में आया था, 60th में भी आया था, 62nd में भी आया था। तो दो बार ये प्रश्न एक ही एग्जाम में पूछा गया है,
और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बनावली। ठीक है, बनावली में जो है हमें हल का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है। बनावली, बनावली दोस्तों देखिए ये समृद्धों का नगर कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि समृद्ध लोगों का नगर कौन है, यानी कि यहाँ के घर वर में बड़े बड़े जो लोगों के घरों में चीजें होती, व्यवस्थाएं होती, वो देखने को मिला, वाश बेसिन हुआ करता था। तो ये समृद्ध लोगों का नगर था। ठीक है, कौन, बनावली। और ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा के कौन से जिले में है बनावली दोस्तों, तो फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिले में जो है ये बनावली है। ठीक है, कौन सी नदी, नदी भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रंगोई नदी। ठीक है, रंगोई नदी के तट पर है ये। खोज किसने किया था दोस्तों बनावली का, जितना भी मैं बताती जा रही हूँ सब लिखते जाएगा। तो ये रविंद्र सिंह विस्ट ने जो है, रविंद्र सिंह विस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये इसकी खोज की थी। और यहां से खिलौने के रूप में हमें क्या देखने को मिला है, हल आकृति का या फिर मिट्टी का हल मिला है, जिसे हम क्या कहते हैं, हल का टेराकोटा हमें देखने को मिला है। ठीक है, यहां से और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली है, जैसे कि जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा हमें वाश बेसिन देखने को मिला, जिसे हम धावन पत्र कहते हैं दोस्तों। हाथ हाथ धुलते हैं ना आप लोगों के घर में, वाश बेसिन होगा, तो वाश बेसिन जो है वो उस समय भी यूज किया जाता था। और ये चूंकि इतने बड़े बड़े लोगों के घर में ही हो सकता था उस समय के तत्कालीन समय में, इसीलिए कहा क्या गया है, जो बनावली को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। ठीक है, देखिए धोलावीरा कहाँ है दोस्तों, धोलावीरा भी गुजरात में। कालीबंगा दोस्तों, काले रंग की चूड़िया, राजस्थान। लोथल के बारे में हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा, गुजरात। क्या क्या मिला, बहुत सारी चीजें मिली। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का गोदीवाड़ा, यानी कि यहाँ पत्तन नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देख बात करते हैं, ये बनावली जो है ये हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, और आदि ऐतिहासिक सभ्यता में दो साक्ष्य जो है उपलब्ध होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। लेकिन अभी भी साहित्यिक स्रोत जो है लिपियों का ज्ञान नहीं होने के कारण पढ़ा नहीं जा सका है, जिस कारण से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कोई भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो पूरा तत्व है, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं जो बहुत हजारों लाखों साल पहले जमीन के अंदर या कहीं भी हमें मिली है, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे बार बार आपसे जो है स्थान के बारे में पूछेगा कि ये स्थान कहाँ है, वो स्थान, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत है और इसी पुरातात्विक स्रोत पे हम भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञात प्राचीन सभ्यता का। हो सकता है खोजो, इससे पुरानी भी कोई सभ्यता निकल जाए, भविष्य बताएगा वो चीज। तो ये जो है, इसीलिए हमें बहुत सारे स्थलों के बारे में पढ़ना है, वो स्थल कहाँ पे है, कहाँ पे इस समय मौजूद है, वहां पे और क्या क्या चीजें मिली, क्या विशेषताएं है। तो घबराना नहीं है, इसी चीज को माइंड में रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है कालीबंगन, बिल्कुल है भाई। कालीबंगा क्यों नहीं है, राजस्थान में है ये, राजस्थान से हमें बहुत सारी चीजें को देखने को मिलेगी। अभी रोपड़, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे लोथल। लोथल तो अभी हम चार क्वेश्चन लगा ही चुके इतने सारे कि लोथल कहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में। अब एक ही आंसर बचता है दोस्तों, कौन, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है ये ध्यान रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो भाई कहाँ से संबंधित है, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। देखिए जब आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा तो हम एक नई संस्कृति के बारे में बात करेंगे, वो है वैदिक संस्कृति, जो कि भारत की ग्रामीण संस्कृति होगी। आगे जाकर के जब ये वैदिक संस्कृति के बाद जो है उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर ये जो उत्तर वैदिक काल के बाद छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का उदय होगा। जब जनपद जनपद मिलकर के महाजनपद बनाएंगे, तो उसी महाजनपदों में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भगवती सूत्र के जो जैन जैन धर्म का भगवती सूत्र है, जो ध्यान रखेगा यहाँ पे बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बात किया गया है। ये 16 महाजनपद जो रहते हैं, इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद आगे चलकर के भारत में साम्राज्य का निर्माण करेगा, कौन है वो, मगध। ठीक है, मगध महाजनपद जो रहता है, इसी के अंतर्गत कुछ वंशों का जब ये साम्राज्य स्थापित करेगा, ठीक है, तो साम्राज्य के अंतर्गत कुछ वंशों का उदय होगा, जिसमें से सबसे पहला वंश आएगा दोस्तों, कौन आएगा, हर्यक वंश। ठीक है,
हर एक वंश जो रहता है वो आता है जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, और हर एक वंश जिसका समय देखिए भारत में जो रहेगा वो 544 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व का बीच का रहेगा, ठीक है। और हर एक वंश संस्थापक दोस्तों कौन रहता है, बिंबसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिंबसार, ठीक है, बिंदुसार नहीं बिंबसार, बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहेगा, ठीक है। और फिर आगे चलकर कि जब इसका पुत्र आएगा कौन दोस्तों, अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके अपनी गद्दी को प्राप्त किया, ठीक है, हर एक वंश की मगध की गद्दी को। फिर आगे चलकर के उदयन आएगा जो कि अजातशत्रु का पुत्र होगा, और उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की थी जिस कारण से इस वंश को पितृ हत्या वंश कहते हैं। यहाँ पे जो अजातशत्रु है इसने ध्यान रखिएगा मगध में जो है पाटलिपुत्र नगर की पहचान की थी, लेकिन आगे चल करके जो उदयन है वो इस नगर को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह रहती है, और राजगृह के स्थान पे जो है पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया दोस्तों, उदयन बनाता है। और पाटलिपुत्र को उस समय कुसुमपुर के भी नाम से जानते थे, कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों जब आगे चल करके छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, मगध वगैरह के समय पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष जब होगा तो हम उस समय यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी जो सभी ऑप्शंस है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए ध्यान रखिएगा, पूरे हड़प्पा सभ्यता का नहीं पूछा है, भारत में पूछा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है। ये त्रिभुजाकार आकार वाली फैली सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो अभी वर्तमान में है वो पाकिस्तान में ना हो भारत में, ध्यान रखिएगा वो भारत में, ठीक है। और भारत में सबसे बृहद स्थल पूछ रहा है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, झारखंड पीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, और सबसे बड़ा दोस्तों स्थल कौन सा है, वो है राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, राखीगढ़ी के बारे में ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम बाकी का भी देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो सबसे बड़ा स्थल अभी तक जो माना जा रहा है पूरे ओवरऑल की, तो वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, कहीं कहीं पे गनेरी वाला भी कहते हैं, तो मोहन, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है, हड़प्पा स्थल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा, गनेरी वाला, ठीक है, गनेरी वाला ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान में है, ठीक है, गनेरी वाला, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी, फिर उसके बाद भारत में स्थान आ जाते हैं राखीगढ़ी, फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा था, राखीगढ़ी के बाद कौन सा स्थान आ जाएगा, धौलावीरा, ठीक है, राखीगढ़ी धौलावीरा, राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों, धौलावीरा यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, ये चीज है। तो ये सबसे बड़ा जो है स्थल है कौन सा दोस्तों, ये सबसे बड़ा स्थल हमें राखीगढ़ी देखने को मिलता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली है त्रिभुजाकार आकार में। चलिए अब बात करें हम अपने अगले प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। देखिए फिर से ये प्रश्न आया है, ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है भारत का सबसे बड़ा, ये फिर से वो क्वेश्चन, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि देखिए प्रीवियस इसका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए कोशिश क्या करिए कि हर जो है सब्जेक्ट का प्रीवियस इसका क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए हर जो एग्जाम का, इससे आपको कभी जो क्वेश्चंस रिपीट होगा तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, देखिए अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, कौन सा है दोस्तों, राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा है। वैसे देखा जाए ओवरऑल मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर कौन सा है, गनेरी वाला है, फिर राखीगढ़ी है, इसके बाद धौलावीरा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, ऑप्शंस आपको दिख रहा है, और यहाँ पे हमें जो है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप दिख रहा है कौन कौन सी नदियों के बारे में दिया है, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, नाम से ही पता चल जा रहा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास जो विकसित एक सभ्यता थी उसी को हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। जब हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रारंभिक जो हमें प्रारंभिक स्थल मिले थे इस सभ्यता के, एक तो सबसे पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा सभ्यता मिला, हड़प्पा मिला था, जिस कारण से इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और वो क्षेत्र कौन सा रहता है दोस्तों, सिंधु घाटी, ठीक है, जो सिंधु है उसके सहायक नदियों के आसपास प्रारंभ में क्षेत्र मिला था, जिस कारण से
इतिहासकारों ने सभ्यता को क्या कहा, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन आगे चल करके जब नई नई जो है खोजी हुई, नए नए जो है अवशेष सामने आए, तो आगे जाकर के ये जो ये क्षेत्र है सरस्वती नदी घाटी जो है वहां पे हमें काफी ज्यादा स्थल मिले। वर्तमान में उधर बहुत ज्यादा स्थल है, जो सरस्वती थी नदी जो कि विलुप्त हो गई है ये गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो इतिहासकारों में इसी बात को लेकर के मतभेद हुआ कि भाई ये जो सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा अवशेष तो हमें, ज्यादा क्षेत्र तो हमें सरस्वती नदी के पास से मिलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो आपको पता है सिंधु की जो सहायक नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब नदियां हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा, सिंधु उसकी सहायक नदी चिनाब है, झेलम है, ठीक है। गंगा नहीं रहता है दोस्तों, ये नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा बी है, गंगा की तरफ। तो हम अभी पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, वैदिक काल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे गंगा जो है ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में देखिए, यहाँ पे सिंधु के पास में कौन सा हमें हड़प्पा स्थल मिला, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है वो मिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बाद अगर देखा जाए दोस्तों कौन सा है, चन्होदड़ो, ठीक है, जहां पे हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चन्होदड़ो से, ठीक है। ये स्थान भी हमें सिंधु नदी के पास से मिलता है। उसके बाद देखा जाए कोटदिज्जी, ये कोटदिज्जी भी स्थान है। वही चिनाब नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर में, हमने बात किया था जो सबसे उत्तरी विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का भारत में, वो चिनाब नदी के पास में कौन सा स्थान है, मांडा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने ये भी बात किया था, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, ये देखिए इनके धार्मिक पक्ष से संबंधित प्रश्न आ रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इसकी लिपियों का ज्ञान नहीं होने के कारण यहाँ से जो कुछ भी हमें साहित्य से संबंधित चीजें मिली है, लिखी हुई चीजें मिली है, आलेख मिले हैं, उल्लेख मिले, जो भी मिले हैं, वो अभी तक हम पढ़े नहीं है। तो जिसके वजह से इनके जो धार्मिक पक्ष में जो धार्मिक चीजों में विश्वास करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक क्षेत्र में जो इनका एक तरीके से जो दार्शनिक जो क्षेत्र था, वो हमें जानकारी नहीं मिलता है। तो एक इनके कर्मकांडी क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो चूंकि ये किसकी पूजा करते थे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए, पशुपति शिव की। देखिए मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली थी जिसपे तीन मुख वाले एक पुरुष व्यक्ति जो एक योगी बैठे थे ध्यान मुद्रा में, जिसके तीन सिंह थे, और हमने देखा था कि उनके आसपास जो है कुछ जानवर थे, जिस कारण से जॉन मार्शल उनको आद शिव की, या फिर हम कहते हैं इन्हें पशुपति शिव की संज्ञा दिए थे। तो पशुपति शिव की ये पूजा करते हैं, बहुत सारे मोहरों पे मिली। इसके साथ ही मातृ देवी की पूजा करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे, सबसे ज्यादा जो मोहरे मिली है मातृ देवी की मिली है, जिसके बाद से हम क्या कहते हैं सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। इंद्र वरुण ब्रह्म विष्णु इनकी पूजा तो अभी नहीं, इंद्र वरुण की तो हम उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, वैदिक काल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पशुपति का, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न राजस्थान पीसे से रिलेटेड है, 1997 में ये प्रश्न आया था। फास्ट हो रही होंगी तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, स्लो हो जाऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें थोड़ा ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो वीडियो को स्लो भी का ऑप्शन होता है, स्लो भी करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरी यही कोशिश है कि आप लोग को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जा सके, तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट हो जा रही हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी होगी, आपको भी परेशानी होगी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। अब ध्यान रखिए, स्थान तो हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चला, यह स्थान खोजा किसके द्वारा गया, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, किस वर्ष में किया गया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी है मोहनजोदड़ो, मतलब जिनके नेतृत्व में यह कार्य किया गया था दोस्तों, कौन है, ये सर जॉन मार्शल है, ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो है पुरातात्विक खुदाई का कार्य किया गया था। वही बात करें हड़प्पा का जो खुदाई का कार्य किया गया था वो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, बार बार मैंने आपको बताया है दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। वही अगर हम आगे की बात करें कि यहाँ पे 1922 में बात करें, ठीक है, उसी के अगले साल यानी कि 1922 में
राखल दास बनर्जी ने ठीक है मोहन जोदड़ो की ठीक है उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमें सन जॉन मांसल के नेतृत्व में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पलट दिया, यहाँ पे आपने क्या देखा कि किसके नेतृत्व में यानी कि कौन प्रभारी था, वो सन जॉन मार्शल थे, नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य तो किसी और के द्वारा किया गया था और वो प्रभारी वो खोज कौन था, किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न आपका अगले साल पूछ दिया गया, अगली बार हमें देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में ये प्रश्न आया था 2003 में और अभी हमने बात किया कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी जी की बात करें तो इन्होंने ठीक है किसकी हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत जो है ऑप्शन वो चुनना है, ध्यान रखिएगा, सही जो है उसे हमें एक तरफ करना है, जो गलत है उसे एक तरफ करना है और एक तरफ देखिए क्या विकल्प में दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तरफ तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है और दूसरी तरफ जो उसके खोजकर्ता या फिर जो उसके उत्खनन करता है वो है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा संबंधित सही सुमेलित नहीं है ये हमें खोजना है। सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो पहला ऑप्शन क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थान था हमने अभी आपको बताया कि हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा, तो ये प्रश्न सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए लोथल, लोथल कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है, हमने बात किया था गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है, ये पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, ठीक है, ये कौन सा शाहीवाल लोथल जो कि गुजरात में है और इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों वो एस आर राव के ही द्वारा की गई थी। कब किया गया था दोस्तों, 1957 में इसको खोजा गया था, तो ये भी स्थान आपको ध्यान रखना है। वही बात करें दोस्तों तो सुरकोटदा जो कि ध्यान रखिएगा जगदीप जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी सही है सुरकोटदा। ठीक है, ये भी स्थान जो है दोस्तों गुजरात में है। अगर आपसे पूछ दे गुजरात में कहाँ है दोस्तों, ये भी स्थान गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, ये देखा जाए कच्छ, जो कच्छ जिला है वहां पे है ये, और जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1960 में इसको खोजा गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें घोड़े की अस्थियां मिली थी। अगला जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो धोलावीरा है। धोलावीरा भी दोस्तों बात करें तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, गुजरात में कहाँ पे दोस्तों, कच्छ जिला में ये भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसका उत्खनन कार्य किया गया था वो वीके थापड़ जी के द्वारा नहीं किया गया था, तो फिर किसके द्वारा किया गया था, इसको भी जगदीप, ध्यान रखिएगा जगपति जोशी जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1967 से 1968 में जो है इसको क्या किया गया था, खोजा गया था, ध्यान रखिएगा खोजा गया था, जगदीप जोशी जी के द्वारा खोजा गया था, लेकिन जो इसका उत्खनन कार्य किया गया था धोलावीरा का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1990 से जो है 91 के बीच में किसके द्वारा, रविंद्र चंद्र, ठीक है ध्यान रखिएगा रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा, माफ करिएगा रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो दो लोग हमें धोलावीरा से संबंधित मिल रहे हैं, जगदीश जगपति जोशी और हमें रविंद्र सिंह बिस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ये देखिए हड़प्पा के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि जो है 1826 में जॉन मेनन जो है मेनन के द्वारा जो इसको खोजा गया था, लेकिन चूंकि उस समय इसकी बात दब गई थी, फिर आगे चल करके जो है 1856-57 की तरफ जो है टाइम में जो एक कनिंगम यानी कि ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि ये इन्होंने इसके जगह को खोज, ये जगह जो है उत्खनन कार्य इन्होंने कराया था, पुरातत्वविद थे ये, लेकिन फिर भी वो इसके महत्व को नहीं समझ सके। कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिशर्स थे इनका ये मानना था कि इस तरह की जो है सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता भी भारत में हो सकती थी, वो भारत को तो एकदम असभ्य समझते थे, वो क्या बोलते थे कि हम तो भारत पे शासन करने के लिए बने हैं, यहाँ पे उनका ये कहीं ना कहीं इतना वो
ध्रुवा ग्रहों से ग्रसित थे कि वो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि इतनी विकसित सभ्यता भी भारत में हो सकती है जो इतनी सुनियोजित तरीके से पूरे क्षेत्रों का विकास की हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर 1921 में सर जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग के जब महानिदेशक थे तो इन्होंने इस सभ्यता को उसी समय जो है प्रकाश में वो लेकर के आए। इसके आगे के कार्य का उन्होंने जो है आगे चलकर संचालित किया पूरे कार्य। लेकिन एक कनिंगम जो कि अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, ये है कौन, क्या इनका रोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के जो स्थापना का नेतृत्व किया, ध्यान रखिएगा भारतीय पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे, अलेक्जेंडर कनिंगम को जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ध्यान रखिएगा सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। कब किया दोस्तों, 1861 में किया। इस समय देखिए वायसराय कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का अंतिम जो है गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का नेतृत्व किसने किया, एक कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम से, जिस कारण से अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का पिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फादर ऑफ, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियो, ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा सा पेन को चलने की इश्यूज आ रहे हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है, कौन है भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता, कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कब किया गया था, 1961 में किया गया था, कैनिंग उस समय के वायसराय, ठीक है। सर जॉन रॉल्सन, तो इनके समय में ही क्या किया गया था दोस्तों, ये 1902 से लेकर के लगभग 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहते हैं। 1921 के ही समय में इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो प्रकाश में आए थे, ठीक है। मार्टिमन विलर भी कुछ क्षेत्रों से संबंधित रहेंगे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए फिर कैसे प्रश्न घुमा दिया, अभी तक पूछा था कौन थे, अब पूछा कौन नहीं है, यानी कि बहुत से लोग इस स्थल के उत्खनन कार्य से संबंधित हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, दो बार पूछा गया था, एक 56 और 59 पीसीएस प्री में पूछा गया था बिहार के, और फिर 2015 में। यहां पे बात करें कौन नहीं है, आर डी बनर्जी नहीं, के एन दीक्षित नहीं है, एम एस वसनी या फिर वी ए स्मिथ नहीं है। ध्यान रखिएगा वी ए स्मिथ जो है वो नहीं है। बाकी बात करें आरडी बनर्जी जो हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ पे जो स्थल है, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 1921 में कौन, ध्यान रखिएगा राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी रहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे चलकर कि इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, ठीक है। फिर जो उत्खनन कार्य किया था दोस्तों, वो पहली बात कौन किया था, 1926 में बात करें तो माधव, ठीक है, स्वरूप वस्त्र जो था इन्होंने किया था। फिर हम बात करते हैं आगे चल करके कब, जब भारत के आजादी के एक वर्ष पहले मार्टिमन विरल जी के द्वारा ये कार्य किया गया था, ठीक है, हड़प्पा। वही बात करें हम मोहन जोदड़ो की दोस्तों, मोहन जोदड़ो से भी संबंधित कुछ नाम है, ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहली बात करते हैं जो इसका सर्वेक्षण का कार्य किया गया था 1922 में किया गया था, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। माफ करिएगा यहाँ पे मैंने माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपसे गलती से बोल दिया, राखल दास बनर्जी जो थे वो मोहन जोदो से संबंधित थे, दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा से संबंधित थे, ठीक है, राखल दास बनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित थे, मोहन जोदड़ो से, ये दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा से संबंधित थे, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था, इसको खोजा था। आगे चल करके 1930 में दोस्तों बात किया जाए तो ये मोहन जोदड़ो से संबंधित है। 1930 में कौन जुड़ता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके, ये भी एक नाम है दीक्षित यहाँ पे। फिर इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो 1945 में
हमने बात किया था मार्टिमर विलर, ठीक है, मार्टिमर विलर की बारे में बात करें, फिर हम बात करते हैं 1965 में, यहाँ पे जो है 1965 में कौन है दोस्तों, तो ये जॉर्ज डेल्स है, ठीक है, जॉर्ज डेल्स जो है वो रहते हैं, बाकी आपको देख रहे हैं MS वत्स जो है ये देखने को, ठीक है। तो माधव स्वरूप वत्स किससे संबंधित है, हड़प्पा संबंधित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी जो है वो किससे, मोहनजोदड़ो से संबंधित है, तो ये हमें नाम पता होना चाहिए, और भी बाकी भी जो मैंने नाम बताया उनको भी ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिक्के दिए हुए हैं, कुछ संस्कृति भी दी हुई है, हमें देखना है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल, या फिर नगर संस्कृति। ये IAS में ये प्रश्न पूछा गया था, 1998 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले हमने क्या बात किया था दोस्तों, नगर की संस्कृति, जो हमारी सबसे पहली ज्ञात संस्कृति है दोस्तों वो कौन सी है, नगर संस्कृति, पहली नगरीय सभ्यता, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन, जो कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। फिर हम दूसरी जब देखेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महाजनपद काल आएगा तो उसे हम द्वितीय नगरीकरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन यानी कि 4 हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए लोहे का हल हमें कब देखने को मिलता है दोस्तों, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, और वैदिक काल में जब हम देखिए उत्तर वैदिक काल दो भागों में बटा है, एक आपका जो है पूर्व वैदिक काल है जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहता है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समय रहता है, ठीक है, और ये देखा जाए 1500 से लेकर के ध्यान रखिएगा 1000 रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शंस यहाँ लिख देते हैं जो करेक्ट है, पहले तो हमें 4 दिख रहा है। तो जो उत्तर वैदिक काल होता है वहां पे जो है 1000 ईस्वी पूर्व के समय में जो उत्तर प्रदेश है वहां पे हमें क्या मिलता है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से। तो इस वजह से हमें कौन सा समय दिख रहा है, वो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ये हमें इस जो है 1000 ईस्वी पूर्व का समय दिखता है। आहत मुद्रा, ठीक है, आहत मुद्रा पहली जो थी, आहत जिसे हम क्या कहते हैं, पंच मार्क कॉइन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पंच मार्क कॉइन, क्योंकि आहत मतलब चोट दे करके किसी भी ऊपर पंच करना, निशान बनाना। और ये ध्यान रखिएगा जब हम वैदिक संस्कृति समाप्त होती है तो उसके स्थान पे महाजनपद काल आता है। महाजनपद यानी कि पहले जन रहते हैं, फिर जन जन मिलकर के जनपद बनाते हैं उत्तर वैदिक काल में, और फिर यही महा जो है जनपद जनपद मिलकर के उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते महाजनपद बनाते हैं। और हमारे इतिहास में 16 महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है, और इन 16 महाजनपदों के समय में ही जो है सबसे पहली मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले तो बाटन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली इस्तेमाल होती थी, लेकिन मुद्राओं का जो प्रचलन होता है वो सबसे पहले होता है जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद काल में। और जो पहली मुद्रा रहती है वो आहत मुद्रा रहती है जिसे हम पंच मार्क क्वाइन कहते हैं, जो ज्यादातर जो है चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो ये हमें देखने को मिला कब दोस्तों, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो हमें क्या मिल रहा है, 6वीं शताब्दी के समय, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अब आ जाता है सोने के सिक्के, ध्यान रखिएगा जब महाजनपद के समय में जो मगध था, मगध में एक वंश आता है, मगध में कौन, मौर्य वंश, मौर्य जो है वो सबसे पहले जो है सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करते हैं। जब मौर्यों का पतन होता है तो भारत में मौर्य उत्तर काल आता है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, और पोस्ट मौर्यन पीरियड में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश बढ़ जाते हैं, और इन्हीं क्षेत्रीय राजवंशों के आपस में संघर्ष के परिणाम स्वरूप बाहरी आक्रमणकारी भी भारत में आते हैं। इसमें जो सबसे पहले आक्रमणकारी आएंगे वो हिंद यूनानी शासक आते हैं, ठीक है, हिंद यूनानी शासक आएंगे, और इन्हीं हिंद यूनानी शासकों के द्वारा भारत में पहला लेख युक्त सोने का सिक्का चलाया जाता है। तो ये मौर्य उत्तर समय है, यानी कि मौर्यों के बाद, तो हमें ये सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति आती है, फिर हमें तीसरा देखने को मिलता है लोहे का हल, फिर हमें दूसरा, फिर ये हमें देखने, ठीक है, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय है, सोने का सिक्का जो रहेगा ये सेकंड जो है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, 50 का हमें क्या देखने को मिल रहा है, डी, 4, 3, 2, 1, ऐसे ही चीजें याद करिए तब जाकर के चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, थोड़ा फास्ट करेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन से धातु दोस्तों, कई बार बोला है
तांबा, ठीक है। तांबा धातु का इस्तेमाल किया सबसे पहले मानव ने, ठीक है। इसे ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहली धातु मानव ने कौन सी खोजी, तांबा खोजी। फिर उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से फिर आगे जाके लोहे की खोज होगी। तांबा और टीन को मिलाकर के कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के समय जानते हैं। कांसे का इस्तेमाल हड़प्पा में किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे पहली जो धातु खोजी गई वो तांबा खोजी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हमारा कि ये यूपी आरओ एआरओ में मेंस 2014 में था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला, कहाँ मिला? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर बनावली। दोस्तों हाथी दांत का जो पैमाना मिला था वो लोथल से मिला था। लोथल कहाँ दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। हमने ये बात किया था, लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के तट पे। बार बार मैं कितनी बार बताई हूँ, खोजकर्ता कौन थे 1957 में? एस आर राव। लिखते जाइए सारी चीजें, ठीक है। और यहां से हमें लोथल से बहुत सारी चीजें मिली थी। सबसे पहले तो ये पत्तन नगर था लोथल, ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य में मिले हैं। और दूसरी तरफ हाथी दांत के पैमाने, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्केल कह सकते हैं, हाथी दांत का स्केल मिला है, ठीक है। दूसरी बात करें, यहां पे चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है लोथल से, ठीक है, हड़प्पा के समय का। उसके पहले तो यहाँ पे हमें कोलडिहवा से मिलता है सबसे प्राचीन साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे फारस की मोहर मिलती है, ठीक है, फारस की मोहर। ये सब लिख लीजिए कि लोथल से हमें क्या क्या मिला है, फारस की मोहर। इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है मेसोपोटामिया, जो उस समय तत्कालीन जो समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान वगैरह के क्षेत्र में, डलजा फेरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया, वहां पे जो मोहरों का इस्तेमाल होता था उसके साक्ष्य हमें लोथल में मिले। इससे हमें पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या मिला ये लिख लीजिएगा, डॉकयार्ड मिला, हम लोगों ने ये भी देखा। दूसरी चीज है, यहाँ पे तीन युगल समाधियां मिली, ध्यान रखिएगा, तीन युगल समाधि के साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, लोथल से, ठीक है। समाधियां जिसको यहाँ पे जो एस आर राव थे, एस आर राव ने क्या कहा इन तीन युगल समाधियों को, एस आर राव ने जो है ये बोला ये तो सती प्रथा के साक्ष्य है, तो सती प्रथा का साक्ष्य भी हमें लोथल से देखने को मिलता है, ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य बोला। दूसरे जो घोड़े की लघु जो है मृण मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, वो देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से कालीबंगा में मिला, धौलावीरा मिला, बनावली मिला, आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, थोड़ा फास्ट करेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? छत्तीसगढ़ पीसेस प्री में यह प्रश्न पूछा गया था, यहां से पूछा कौन सी धातु नहीं मिली है। तांबा मिला है, बिल्कुल जी मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि तांबे के साथ टीन मिलाया जाता था, और क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था, जिस कारण से इस सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सुवर्ण भी मिला है, बहुत सारी सोने की जो है हमें आभूषण मिले हैं देखने को, चांदी भी देखने को मिला है दोस्तों, चांदी भी हमें देखने को मिला है, चांदी का मुकुट हमें देखने को मिला है कुणाल से, हरियाणा के कुणाल से दो चांदी के मुकुट देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कलश मिला है चांदी का, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। वही बात करें, लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले भैया, आंसर तो डी हो जाएगा, क्योंकि लोहा तो आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, अभी तो लोहे की खोज नहीं हुई है। इसी लोहे की खोज ने क्या किया, बड़े बड़े महाजनपदों की नींव रख दी, इसी लोहे की खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, साम्राज्य की स्थापना लोहे ने कर दी। तो ये तो लोहा तो अभी मिला ही नहीं है, इसलिए हमें ये धातु तो मिली है लेकिन हमें लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्घर देखिए वर्तमान में कहा जाता है ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, वो जो हमारी सरस्वती, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी वही विलुप्त हो गई, जो घग्घर नदी की पहचान उसी नदी से की जाती है। तो घग्घर उसकी सहायक नदियों से जगह देखा जाए तो कौन से वो स्थल है जो स्थित है, घाटी में स्थित है? देखिए आलमगीरपुर तो नहीं होगा, अगर जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा होगा कहाँ है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है, मेरठ जिले में ये आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, तो इसको तो कट कर दीजिए कहीं से भी, क्योंकि घग्घर नदी तो भारत के वेस्ट में है, वो तो इतना विस्तार होगा नहीं, इसलिए इसको कट कर दिया। मोहनजोदड़ो भाई कहाँ है? मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ मिल जाएगा, ये तो अभी हम लोग को पता ही है, ये तो सिंधु नदी के, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, सिंधु नदी, ये भी कट कर दो। देखिए दो ऑप्शन तो निकल गया, अब बचा लोथल और बनावली।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम अगर करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये है बनावली, क्योंकि लोथल तो गुजरात वगैरह में है, ठीक है, गुजरात में है, क्योंकि बनावली जो है हमें देखने को मिल रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। बनावली दोस्तों कहाँ है, ये हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में भी कहाँ है, तो ये फतेहाबाद जिले में है, ठीक है, फतेहाबाद जिले में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी नदी के तट पे है उसकी सहायक नदी, रंगोई नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा रंगोई नदी। खोज किसने किया था बनावली की, अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने किया, तो ये ध्यान रखिएगा रविंद्र सिंह बिस्ट ने जो है वो इसकी खोज की, ध्यान रखिएगा। कब किया, 1973 में किया। ये सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाए, देखिए हमारी सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज के लिए जानी जाती थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है, नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था, ठीक है, यानी कि जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता था। लेकिन बनावली जो है हड़प्पा सभ्यता का एक अपवादपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी प्रणाली के हमें अभाव देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेनेज सिस्टम, वो बनावली में उसका अभाव है, ठीक है। तो भाई यहाँ से मिलता क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी का हल मिला, ठीक है, हल की जो है छोटी छोटी आकृतियां मिली, यानी कि मिट्टी का हल मिला, टेराकोटा मिला, जौ के अवशेष मिले, सबसे इंपॉर्टेंट वॉश बेसिन मिला, ठीक है, वॉश बेसिन मिला, ठीक है, ये हमें यहां से चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कहां पे क्या मिला। आइए अगले तरह जो है प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही जो है उत्तर चुनिए। अब कथन दिया हुआ है और हमें सही उत्तर देखना है। एमपीपीसी प्री 2008 में ये प्रश्न आया था। तो सबसे पहला जो हमारा कथन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, क्या ये है, बिल्कुल है जी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा इन जो है स्थलों की खोज की गई थी, सिंधु या हड़प्पा की संबंधित स्थल है, सही है। हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किए थे, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो अपने जो है नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी, ध्यान रखिएगा, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है, समकोण पे काटती थी, जाल नुमा पूरा जो शहर है वो ग्रीक पैटर्न यानी कि जाल नुमा पूरी तरीके से फैला हुआ था। जो सड़कें बनी थी कच्ची ईंटों की बनी थी, उनके अगल बगल नालियां बनी रहती थी जिनको पक्की ईंटों से ढका जाता था, फिर मकाने बनाई जाती थी। तो पूरा जो है शहर सुनियोजित तरीके से स्थापित किया जाता था, ये भी है, और इसी चीज के लिए जाना जाता है, अपने जो है नगर नियोजन के लिए हड़प्पा सभ्यता जाना जाता था। तीसरा विकल्प है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था। अरे क्यों नहीं पता है, इसका तो नाम ही है धातु पे, कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा क्या है, धातु है, किससे मिला है, तांबा और टीन से मिलकर के बना है, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा ये, वो तो कई सारे धातुओं का इस्तेमाल करते थे। अगर हम देखें हड़प्पा के वासियों को, वो तांबा जानते थे, वो कांसा जानते थे, वो क्या जानते थे, स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, शीशा, फिरोजा, बहुत सारे तरह के वो धातुओं का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे धातुओं का क्या मिला है हमें, अवशेष मिला, लेकिन लोहे का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है, लोहा का अवशेष नहीं मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एक और दो सही है, तीसरा विकल्प यहाँ पे हमें गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मोहन, यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिया है, आपको देखना है कि कथन और कारण में से कौन सा कथन सही, उसके कारण कितना सही। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है, कारण क्या है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अरे किसी के विलुप्त होने का कारण खुदाई कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि ऑब्वियस है खुदाई में तो वो प्रकट हुए थे, विलुप्त कैसे हो गए वो, लेकिन ध्यान रखिएगा यानी कि खुदाई के दौरान तो वो प्रकट हुए थे, जब वहां के पूरे उस क्षेत्र की खुदाई वगैरह हुई, उत्खनन कार्य किया गया तो प्रकट हुए, ये भी सही है, और ये अब विलुप्त भी हो गए ये भी सही, लेकिन कारण गलत है। तो हमें क्या आंसर हो जाएगा, ये बी आंसर होगा कि भाई ए और बी दोनों ही यानी कि कथन और कारण सही है, लेकिन जो ए है, जो कारण आर दिया हुआ है, वो कहीं से भी इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, किसका दोस्तों, कथन ए का, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली अलग है, क्योंकि ये दोनों जो नगर है ये अब विलुप्त हो चुके हैं, और ये प्रकाश में कब आए थे, जब इस क्षेत्र की खुदाई हुई थी तो खनन कार्य किया गया था, तो ये दोनों क्षेत्र जो है ये प्रकाश में आए थे, ठीक है।
तो अब ये विलुप्त हो गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। ये पीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था, और शैल्यकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा से जो है ये शैल्यकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। आइए धोलावीरा के भी बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया विश्व विरासत सूची में। ठीक है, धोलावीरा कौन सा स्थान था दोस्तों, 40वां जो है विश्व विरासत सूची भारत की धोलावीरा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा गुजरात में है धोलावीरा, गुजरात में कहां पे दोस्तों, कच्छ जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कच्छ जिला में है, ये सब लिख लीजिएगा। अगर नदी आपसे पूछे कि नदी कौन सी है, धोलावीरा खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोजकर्ता रहे दोस्तों, इसका जो खोज कार्य किया गया था 1967-68 में किया गया था, किसके द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका खोज किया गया था, लेकिन इसका जो व्यापक उत्खनन कार्य किया गया था दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, ये 1990-91 में किया गया था, किसके द्वारा, तो ये किया गया था रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये उत्खनन कार्य किया गया था, खोज इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा किस चीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जो है अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, विश्व विख्यात प्रसिद्ध रहा ये अपने जो है जो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, धोलावीरा। ठीक है, धोला मतलब होता है सफेद, वीरा मतलब होता है कुआं। ठीक है, सफेद कुआं नाम से ही पता चल जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, कहाँ है, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अभी आप लोग को बताया कहाँ है दोस्तों, हर यहाँ पे जो है, माफ करिए, गुजरात में जो है धोलावीरा स्थित है कच्छ जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई नगर तीन भागों में विभक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए हड़प्पाई नगर जो है ये तीन भागों में, क्यों भाई ऐसा प्रश्न पूछ दिया, यानी कि नगर किसी और भाग में विभक्त होंगे। ध्यान रखिएगा जब हम नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं, नगर जो जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया था, स्थापित किया गया था, हड़प्पा के जो नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, दो भागों में विभक्त थे, कौन से भाग थे। ठीक है, एक तो आपका देखेंगे पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला जिसको कहते थे, ठीक है, जिसको हम दुर्ग भाग भी कहते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये था पूर्वी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला, ठीक है, पश्चिमी टीला जिसमें जो है नगर के विशिष्ट लोग रहा करते थे, प्रशासक वर्ग रहा करते थे, पुरोहित वर्ग रहा करते थे। पूर्वी टीला जहाँ पे आम जो लोग रहा करते थे, लाइक जैसे कि व्यापारीगण रहा करते थे, किसान वर्ग रहा करते थे, ये लोग जो रहा करते थे, आम जनता जो है पूर्वी वर्ग। लेकिन एक नगर ऐसा था अपवाद स्वरूप जो तीन भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला के साथ जो है मध्यम नगर में भी वो विभक्त था। ध्यान रखिएगा मध्यम नगर। ठीक है, तो ये कौन सा था, एक तो आपको ध्यान रखिएगा, एक तो आपका किला था, दूसरा मध्यम नगर था, और तीसरा निचला नगर था। ठीक है, ये कौन सा नगर था दोस्तों, अपवाद स्वरूप ये कौन सा नगर था, वो था धोलावीरा। ठीक है, आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, धोलावीरा। धोलावीरा तीन भागों में विभक्त था, बाकी सब क्या थे, दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। ठीक है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दुर्ग टीला कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो थे विशिष्ट लोग रहा करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। अभी ये रिसेंट में ये प्रश्न पूछा गया था 2000 पहले आईएस प्री 2021 में, और मैंने देखिए अभी चीख चीख के आपसे बताया कि धोलावीरा जो है अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था, तो कौन सा है ये, धोलावीरा। ध्यान रखिएगा धोलवीरा नहीं है, धोलावीरा है। ठीक है, ये आप इसको करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन स्थल सनोली के सभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो अभी हाल में ध्यान रखिएगा, सभी नहीं, अभी हाल में जो प्राप्त हुए क्या है। देखिए सनोली जो करके एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है डिस्कवरी पे, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देखिएगा, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है।
मनोज सिन्हा ने एंकरिंग की है उसकी, अरे ये इन्होंने माफ करेगा जो एक कौन से है वो फैमिली मैन करके है, तो मनोज वाजपेयी ने उन्होंने एंकरिंग किया। बहुत अच्छा सनोली डॉक्यूमेंट्री है, आपको बताया जाएगा कि क्या क्या अभी नई नई खोजें आई, जरूर आप लोग देखिएगा टाइम निकाल के, 10 से 15 मिनट का है पूरा, उसको देखिएगा। तो ये जो उत्खनन हुआ है यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, क्या मिला है, मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय रक्षा, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। देखिए यहां से मानव के समाधान मिले, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है, मानव समाधान मिले हैं, ठीक है। सनौली की दोस्तों बात करें, ये है कहाँ, इसके बारे में जान लीजिए, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बागपत जिला, ये सब ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशली प्रश्न है, बागपत जिले में है ये। तो सनौली के बारे में देखिए, यहाँ पे हमें जो है 125, ध्यान रखिएगा कितने, 125 मानव समाधान मिले, ठीक है, 125 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और जिनकी दिशा क्या थी दोस्तों, उत्तर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा दक्षिण, उत्तर से दक्षिण थी दिशा उनकी। और ध्यान रखिएगा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये विश्व के, ठीक है, विशाल जो है कब्रगाह स्थल माना जाता है, तो ये विश्व का जो है विशालतम, ठीक है, विशालतम कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह स्थल माना जाता है, ठीक है, सलोनी, ये माफ करिएगा सनोली, ठीक है, कहेंगे सलोनी तो मैम नाम होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सनोली है, ठीक है, ये सबसे। और यहाँ पे जो है ये जो शवाधान थे, जो ये शव मिले हैं इनके साथ, इनके जो डेली के जो दैनिक उपयोग वाली जो वस्तुएं हुआ करती थी वो भी इनके साथ जो है दफनाए गए थे, गहने थे साथ में, कुछ जानवरों की भी हड्डियां यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो बहुत ज्यादा 125 जो है मानव समाधान के साक्ष्य सनोली से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पीसीएस प्री 2021 में प्रश्न आया था कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, ध्यान रखिएगा मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में, ये मंडी है, ये नाम ध्यान रखिएगा, मांडा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंडी है ये, और ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये रिसेंट में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, और करेक्ट आंसर इज डी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मंडी जो है, उत्तर प्रदेश के मंडी जो है स्थित है ये मंडी, मंडी ध्यान रखिएगा मंडी, और ये कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में पूछ दे कहाँ पे दोस्तों, तो मुजफ्फरनगर जो जिला है, ठीक है, मुजफ्फरनगर जो जिला है वहां पे है ये, ठीक है, ये वहां पे स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्यों जाना जाता है, तो यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता का टकसाल मिला है, ठीक है, टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे, मोहरे वगैरह जो ढाली जाती थी वो वहां पे था, तो हड़प्पा सभ्यता का टकसाल था ये, ठीक है। और जो ये गांव था मुजफ्फरनगर, जो गांव है वहां पे, जो कि ये जो मांडी गांव है मुजफ्फरनगर में, ये जब इसका उत्खनन कार्य वगैरह हो रहा था, तो यहाँ पे जब खेत में जो खुदाई हो रही थी, कृषि कार्य वगैरह हो रहा था, तो खुदाई हो रही थी उसी दौरान बहुत सारे अवशेष जो है, जैसे कि प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन जो है वो यहाँ पे साक्ष्य में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया किसके द्वारा किया गया था। देखिए कपास की खेती की जो शुरुआत की जाती है वो हड़प्पा वासियों का माना जाता है, हड़प्पा के लोगों के द्वारा कपास की खेती की शुरुआत की गई थी, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो ऑब्वियस है करेक्ट आंसर इज डी होगा, यानी कि भारत में, ठीक है। तो हड़प्पा जो है सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय किसे दिया जाता है, सिंधु के, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जिस कारण से यूरोप के जो लोग थे, यानी कि यूनानी लोग थे, उन्होंने जब ये जो कपास की खेती का ज्ञान उन तक पहुंचा और उन्हें पता चला ये तो भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ये खेती की जाती, जिस कारण से उन्होंने कपास को क्या कहा दोस्तों, सिंडोन कहा, ठीक है, सिंडोन कहा, ठीक है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई हो, ठीक है। और हमें कपास के यानी कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले आपसे पूछा जा सकता है, तो मोहन जोदड़ो से जो है वो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है हमें वो देखना है। ये देखा जाए आईएएस प्री में भी ये प्रश्न पूछा था, और ठीक उसी के एक साल बाद जो है स्टेट पीसीएस, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछ दिया था। कोशिश क्या करिए, यूपीएससी के भी पेपर को थोड़ा सॉल्व कर लिया करिए। तो पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे जो विकल्प दिया है विचार करने के लिए, जो कथन दिया वो है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता है, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित है वर्चस्वशाली नहीं है। ऑब्वियस हमने ये बात बोला कि लौकिक सभ्यता ये इस लोक की बात करती है, परलोक की नहीं,
क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमें जानकारी में नहीं है, ठीक है। और धार्मिक तत्व तो बहुत सारे हमें मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे तावीजें मिली हैं, बहुत सारे जो है मूर्तियां मिली हैं देवी देवताओं की, ठीक है, जैसे मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, तो ये तो सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते। अभी हम लोगों ने बात किया कि कपास की खेती का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, तो इसका कथन और कारण क्या हो जाएगा, दोनों ही सही। यहाँ पे जो दोनों ही कथन दिए हैं वो दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे आपको देना है, देखिए ऑप्शंस क्या, आंसर क्या निकालना है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर रहे हैं, सही कथन या कथनों को चुनिए। ये आईएएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, तो थोड़ा सा इन डेप्थ भी चीजों को पढ़ना चाहिए। देखा जाए सबसे पहले जो दिया है सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए मंदिरों के साक्ष्य अभी तक कहीं नहीं मिला है, ठीक है, मूर्तियों के मिले हैं लेकिन मंदिर के साक्ष्य अभी तक कहीं भी नहीं मिले, जिसलिए पहला जो है कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए गलत हो गया। तो हमारा पहला जब ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, तो हमारे पास देखिए ये निकल गया, हमारे पास ये निकल गया। अब बी और डी में से कोई एक आंसर है, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। देखा जाए हमने मातृ देवी की पूजा मूर्तियां मिली, हमें पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, सर्वाधिक मूर्ति मातृ देवी की मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, दूसरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमें आंसर कहां मिल गया दोस्तों, आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया, क्योंकि चौथे में क्या दिया, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं, लेकिन हमें दूसरा मिल गया। तीसरी भी थोड़ा सा देख लेते क्यों गलत है ये देख लेते। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुत शांति प्रिय कहा जाता था, और कहीं भी ऐसे युद्ध हुए हो, आक्रमण हुए हो, ऐसे कोई साक्ष्य में नहीं मिलते हैं, जिस कारण से ये कथन गलत हो गया। हाँ, घोड़े के अस्थि मिली है, और हो सकता है घोड़ों का इस्तेमाल सामान खींचने के लिए किया जाता हो, रथ को खींचने के लिए किया जाता हो, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, जिस कारण से ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़। तो अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है, हड़प्पा से, चनहोदड़ो से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर देखा जाए वृषभ की जो मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है, वृषभ मुद्रा, वो ध्यान रखिएगा कहां से प्राप्त हुई, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो से। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि ये यूपीपीसीएस मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था 2009 में, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला। ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो मोहरे मिली है उस पे पूछ रहा है, ठीक है, किसका नहीं मिला है, बैल का, हाथी का, घोड़े का, भेड़ का। ध्यान रखिएगा हमें बैल और हाथी भी देखने को मिला है, भेड़ भी मिला है, लेकिन घोड़े के जो है हमें जो है मोहरों पर अंकन नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा घोड़े के साथ साथ और किस जानवर का नहीं मिला है, गाय का नहीं मिला है, ऊंट का नहीं मिला, चूंकि ये जानवर थे, बावजूद इसके इनका हमें अंकन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे जो मोहरे थी उस पे जानवरों की तस्वीर जो है अंकन मिलते थे, देवी देवताओं के अंकन मिलते थे, सर्वाधिक जो अंकन मिले हैं वो किसके मिले, पीपल के मिले, ठीक है, पीपल वृक्ष। और दूसरी बात करें किसके, तो ये जो बिना कूबड़ वाला बैल था, ठीक है, एक श्रृंगी पशु, ठीक है, उसके अंकन। और ये जो यहाँ पे जो गाय, ऊंट, घोड़े हो गए, इनका अंकन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। घोड़े का हमें अस्थि पंजर प्राप्त है कहाँ से दोस्तों, सुरकोटदा से। ध्यान रखिएगा सुरकोटदा से जो है अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, किसका, घोड़े का, ठीक है, लेकिन इनके जो है अंकन नहीं मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए अभी फिर आ गया कि किस पशु का जो है अवशेष हमें नहीं मिला है, घोड़े का मिला है, बिल्कुल मिला, अस्थि पंजर अभी हमने देखा कि जो है सुरकोटदा से मिला, गाय का भी मिला है, हाथी का, देखिए ध्यान रखिएगा अभी हम लोगों ने जो पशुपति शिव की जो है मिला है वहां पे जो हमें मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली उसमें मिला है, शेर का कहीं से भी हमें जो है अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बाघ का मिला है लेकिन शेर का नहीं मिला, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
यहाँ पे मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों सिंह युक्त देवता की कृति? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और हम करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं मृत पट्टिका पे। तो यहाँ पे जो है एक और क्या है, दोहरे सिंह वाले देवता है और इसके अतिरिक्त मोहन जोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन मोहन जोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता मिले हैं। हमने आपसे बताया था तीन मुख वाले देवता हैं, उनके क्या थे दोस्तों, तीन सिंह निकले हैं। ठीक है, जिसको जॉन मार्शल ने क्या कहा था, पशुपति शिव की संज्ञा दी थी, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो ध्यान रखिएगा रोमन सभ्यता, रोम की सभ्यता, नील नदी। देखिए नील नदी कहां पे है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, तो क्या रोम कहा जाएगा? आंसर नहीं होगा ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये तो एशिया में। सिंधु घाटी की सभ्यता ये तो भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है, ये भी नहीं, यूनानी भी नहीं, मिस्र की सभ्यता। ध्यान रखिएगा मिस्र की सभ्यता को, ठीक है, मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहा, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल के उत्तर की तरफ आपको देखने को मिला है। अगर मान लीजिए नील नदी नहीं होती तो ये मिस्र भी क्या होता, रेगिस्तान होता। लेकिन आज जो वहां पे कृषि वगैरह कार्य किए जाते हैं, मिस्र का जो उन्नति है उस पर बहुत बड़ी भूमिका नील नदी की है, जिस कारण से नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता ध्यान रखिएगा, ये भी मैसो यहाँ पे जो है भारत की जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता उसके समकालीन थी। भारत की हड़प्पा सभ्यता जो विश्वविख्यात सभ्यता थी उसके समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन नदी की हांगहो नदी की सभ्यता थी, ये सारी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता की सबसे विशेषता देखिए कहाँ पे हमें देखने को मिलता, सबसे पिरामिड आज भी पता है, जो इजिप्ट में जाइए तो पिरामिड के लिए जाना जाता है, ममी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और क्या स्फिंक्स, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे स्फिंक्स किस सभ्यता से संबंधित है तो ये मिस्र की सभ्यता से मूर्तियां बनाई जाती थी जिसमें आधा शरीर मानव का होता था और आधा शरीर क्या होता था, शेर का होता था। कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा और हमने ये भी देखा कि मिस्र की सभ्यता का जो एक विशेषता ममी, ममी का मॉडल हमें कहां से देखने को मिला था दोस्तों, लोथल से। तो मिट्टी का हमें जो है ममी का मॉडल, ममी का मॉडल देखने को मिला है मिस्र से, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध हुआ करता था किससे, मिस्र की सभ्यता के लोगों से। क्योंकि ममी का मॉडल कहां से आ जाएगा, कुछ यानी कि आना जाना लगा होगा तभी तो वो हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए अगले की बात करें, निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। देखिए ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही ऐसा प्रश्न है कि ये जो अफ्रीका अमेरिका जो है लैटिन अमेरिका, वहां पे कुछ पनपी हुई सभ्यताएं थी जिनके बारे में पूछा गया है। अगर हम इसके डायरेक्ट आंसर पे चले दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एजटेक माया सभ्यता, यानी कि ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो एजटेक सभ्यता थी यहीं पे मैं आपको बता दे रही हूँ कहाँ पे थी। तो ध्यान रखिएगा ये जो मेसो अमेरिका है, लिख सकते हैं मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में। मेसो अमेरिका कहाँ दोस्तों, मैक्सिको पता है अमेरिका के दक्षिण में देश है, तो मध्य मैक्सिको से लेकर के जो लैटिन अमेरिका के देश है जैसे कि ग्वाटेमाला हो गया, अलसलवाडोर हो गया, हुंडुरूस हो गया, निकारागुआ हो गया, उस क्षेत्र में जो पनपी सभ्यता थी वो एजटेक सभ्यता थी। फिर हम उसके दक्षिण में जाते हैं जो कि माया सभ्यता का विस्तार होता है, यानी कि मेसो अमेरिका के जब हम दक्षिणी भाग में यानी कि दक्षिणी ग्वाटेमाला की बात कर ले हम लोग, बेलीज की बात कर ले, और किसकी बात करें हम लोग, यहाँ पे अलसलवाडोर हो गया, ठीक है, हुंडुरूस हो गया, वहां पे जो पनपी सभ्यता थी वो माया सभ्यता थी। फिर उसके नीचे हम जाएंगे जो कि मोइस्का, यहाँ पे मोइस्का सभ्यता थी, ये दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा दोस्तों जो महाद्वीप है उसमें कोलंबिया जो कंट्री है उसके पूर्वी क्षेत्र में फैली थी। ठीक है, फिर उसके दक्षिण जाएंगे तो इंका सभ्यता थी, इंका सभ्यता जो कि दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग में, ध्यान रखिएगा इक्वेटर जो कैपिटल है, इक्वेटर का कैपिटल क्या है, क्विटो है, और जो आपका चिली का कैपिटल सेंटियागो है उस क्षेत्र में फैली हुई, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैली हुई सभ्यता थी। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि कितना मैम करवा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी?
ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर भाई? लेखन कला उचित प्रणाली जो विकसित कर, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता को श्रेय जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें हमें तीन सभ्यताएं देखने, चार सभ्यता देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो सुमेरियन की सभ्यता थी, और सुमेरियन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, और सुमेरियन लोगों को ही जो है दिया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही इसका जो है विकास किया होगा। ठीक है, अगर हम बात करते किसकी, ठीक है, तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, ये विश्व के प्रथम क्यों है, ये लिपि आविष्कर्ता के जो है आविष्कर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है सुमेरियाई जो लोग थे वो प्राय किस लिपि का इस्तेमाल करते थे, जो है ये क्यूनिफॉर्म, ठीक है ध्यान रखिएगा क्यूनिफॉर्म, ठीक है क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, ये सुमेरियाई लोगों की ये लिपि थी। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों की कौन सी लिपि थी, हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से बात किया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इनकी जो लिपि थी ध्यान रखिएगा वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्चरों के माध्यम से इन्होंने अपनी लिपियों का जो है ये लिखते थे, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिस कारण से इसको ब्रस्ट्रो, ठीक है ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रस्ट्रो, ठीक है फेडन लिपि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 52 जो है चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, सबसे प्रसिद्ध जो प्राचीन जो सबसे फेमस था वो, या सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो मछली का चिन्ह था। ठीक है, और ये जो सेलखड़ी था उस पर सबसे ज्यादा जो है लिखे गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा जो है रिलेटेड किससे, ध्यान रखिएगा जो आपका अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता में जो अभी तक के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्राचीन सभ्यता से, ठीक है वो सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। तो पार्ट वन और पार्ट टू अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छे से आप लोग का जो है ये पूरा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, प्रीवियस इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।